दवाई काम नहीं कर रही है, दवाई नकली हो गई है, दवाई में बहुत फ्रॉड हो रहा है, पहली बार दवाई है ही नहीं और थोड़ी बहुत दवाई लग रही है तो मेडिकल और डॉक्टर बेईमान हो गए हैं। एक व्यक्ति को 5-6 इंजेक्शन लगते हैं, कोई ज्यादा कोर्स होता है, 25,500 का इंजेक्शन और 50,000 में व्यक्ति लाया लगाए, वो समझ जाए कि 5 इंजेक्शन के बाद बच जाएगा, वो तो मर गया, पोस्टमार्टम हुआ, बोले इंजेक्शन लगे नहीं, पानी था, पानी भर दिया इंजेक्शनों में और वो 50,000 में इंजेक्शन लाया, ब्लैक में लाया और पानी के इंजेक्शन। बंधु, आज संकट की घड़ी में सारे जगत से मेरा कहना है, दवाई भी बिगड़ गई है, जब दवा बिगड़ जाए तो दुआ काम करती है। अस्पताल जाने के पहले दुआ करके जाओ, अस्पताल में मरीज है दुआ करो, कोई सहारा नहीं, किसी की बातों में मत आओ, किसी के कहने में मत आओ, इसके अलावा फिर क्या है दोगे? ये तो लोग कह देते हैं, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, तो किससे क्या होता है वो बताओ ना तुम। एक खंडन खाद्य नाम का मत होता है, उससे कुछ भी बोलो ये गलत है, ये बोलो ये गलत है, सही क्या है मुझे पता नहीं है। खंडन खाद्य बोलते जिनका खंडन करना ही भोजन है, खंडन खाद्य कोई भी ऐसे ऐड करके रास्ते लो, इससे क्या होता है, शांति धारा से क्या होता है, नमोकार मन से क्या होता है, पूजा भक्ति से क्या होता है, मंदिरों से क्या होता है, एक ही बात, फिर किससे क्या होता है वो बताओ ना। अस्पताल खोलने से होता है, अस्पतालों में लोग मर रहे हो, कह दो अस्पतालों से क्या होता है, फिर किससे होता है, हाँ भोजन करते हुए मरते हैं इससे क्या होता है, गाड़ियों में बैठ बैठ करके लोग मर रहे हैं इससे क्या होता है, ऑक्सीजन लेते लेते ऑक्सीजन लेते लेते मर रहे हैं ऑक्सीजन से क्या होता है, दवाइयां खाते खाते मर रहे इससे क्या होता है, वेंटिलेटर पर पड़े पड़े मर रहे इससे क्या होता है, ऐसे कौन सा स्थान है जिसमें दुर्घटना नहीं है, हर चीज में दुर्घटना है, पर उससे क्या होता है, यदि दुर्घटना को देखकर हम ये लगा दें इससे क्या होता है तो फिर क्या करें। हाथ पे हाथ रखे बैठे महानुभाव, इन मूर्खों की, इन अनंत संसार की, इन कसाईयों के बातों में मत आओ, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, मेरा कहना है पुरुषार्थ करो, सबसे पहला ये करो, हवाएं मत बिगड़ने दो, जिसके शरीर में बुरी हवा प्रवेश कर गई है उससे दूर हट जाओ, मोह मत करो, परिवार में भी किसी की हवा बिगड़ गई, कोरोना हो गया, उससे दूर हट जाओ, मोह मत करो, पहली बात पुरुषार्थ करो, हवाओं को मत बिगाड़ो, हवाओं को मत बिगाड़ो, हवा को पवित्र रखो, हवा बिगड़ जाए तो हाथ पे हाथ रखे मत बैठना, दवाई का पुरुषार्थ करो, तुरंत करो, तुरंत दवा करो, डरो मत कोरोना वालों, जैसे ही तुम्हारे लिए थोड़ी सी छींक आए, थोड़ा सा हरारत महसूस हो, तुरंत एक डोज ले लो, कुछ नहीं होने वाला, हानि, मैंने सब डॉक्टरों से मना कर दिया, पूछ लिया, डॉक्टरों ने कहा तुरंत एक दो डोज में कुछ नहीं होता है, जांच का इंतजार मत करो, जांच 3 दिन में आती है, उसके पहले कोई ना कोई ऐसी, जो नाम मुझे आते नहीं है, डॉक्टर लोग बताते पहले हरारत में ही एंटीबायोटिक एक दवाई ले लीजिए, पहली हरारत में आप भाप लेना शुरू कर दीजिए, पहली हरारत में ही आप गरारे करना शुरू कर दीजिए, पहली हरारत में ही आप कौन सा काढ़ा होता है, काढ़ा होता है वो देसी काढ़ा, गुरबेल होती है, हाँ गिलोय गिलोय ले लो, मान लो कल कोरोना नहीं निकला तो
कुछ नहीं होता, नुकसान नहीं करेगा, थोड़ा सा हाथ पैरों में, और बल्कि बिफोर टाइम पियो गुलोए का काढ़ा। सारे संसार के लोगों से कहना है इनकी बातों में मत आओ, इससे क्या होता है, कुछ नहीं होता है तो कोई बात नहीं, नुकसान भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है तो नुकसान, बोलो भाप लेने में क्या नुकसान है, ज्यादा नहीं लेना, 5 मिनट से ज्यादा भाप नहीं ली जाती। हर व्यक्ति, संसार का हर व्यक्ति भाप लो, वृक्ष की नहीं, ये 3-4 पत्ते अदरक की भाप ले लीजिए, खाली भाप ले लीजिए, अदरक डाल दीजिए, तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, नीम की पत्ती डाल दीजिए, अजवाइन डाल दीजिए, ये 3-4 चीजें, हल्दी डाल दीजिए बस, ये तो घर घर में मिल जाएंगे ना, हल्दी, अजवाइन, नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती और अदरक आदि हो तो जो डाल, ये डाल करके पूरा परिवार भाप लीजिए। हवा को मत बिगड़ने दो, हवा को मत बिगड़ने दो, हर व्यक्ति को, हर त्यागी वृत्तियों को, हर साधु संतों को, हर सबके लिए वाष्पीकरण का, हवा को शुद्ध करो कमरे को, और अपने कमरे का वातावरण, अपने घर का वातावरण में प्रतिदिन सुबह शाम को कपूर का धुआं दीजिए। कपूर जलाना नहीं, कपूर का धुआं, जलने मत देना उसको, धुआं निकलेगा ऐसा रख कर कर, उसको किसी बुरादे में मिला दीजिए चंदन के, एक उसके धुआं से अष्टांगी धूप है, अष्टांगी धूप से सुबह शाम अपने घर में धुआं कर दीजिए। घर की हवा मत बिगड़ने दो, घर की हवा को संभालो, शुद्ध करो। घी का एक अखंड दीपक जलने दो घर में, घी महंगा है, शुद्ध मिलेगा नहीं पता नहीं, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिलता है तो ये करिए, कुछ फायदा होगा ये गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन नुकसान नहीं होगा ये पक्का कह रहा हूं, नुकसान नहीं होगा ये पक्का है, फायदा तो होगा या नहीं होगा। पुलिस इसलिए नहीं लगाई जाती है कि यहां दुर्घटना होने वाली है, पुलिस इसलिए लगाई जाती है कि यहां दुर्घटना ना हो पाए, ना हो पाए इसलिए लगाई जाती, होना है दुर्घटना नहीं, ना हो पाए। आप ये करिए, हवा को मत बिगड़ने दो, हवा बिगड़ जाएगी दवा लेना पड़ेगी। तो जिनको अभी बीमार नहीं है, जो स्वस्थ हैं, वे फर्स्ट एड में डॉक्टरों से, वैद्यों से सलाह करके ऑक्सीजन को शुद्ध करें। ऑक्सीजन सिलेंडर हैं अपने पास 2 फेफड़े, उनको ठीक रखो, प्राणायाम करो थोड़ा बहुत, थोड़ा ऑक्सीजन को सुबह शाम अपने फेफड़ों को चेक कर लो, जो स्वस्थ है वो चेक करें सुबह शाम, अभी ऐसे संकट के समय पर थोड़ा ऑक्सीजन को, श्वास को रोकें, छोड़ें, रोकें और छोड़ें, थोड़ी देर श्वास ले में रोकें और फिर छोड़ें, थोड़ा सा चेक करो इसको, और इसके बाद वाष्पीकरण लो। घर को शुद्ध करने के लिए मैंने बता दिया, घी, कपूर या धूप, इससे घर के वातावरण को शुद्ध करिए। प्रत्येक घर में करेगा तो पूरे नगर में, जब हर घर में यह शुद्धि होगी, पूरे नगर का शुद्धिकरण हो ही जाएगा। हर घर में जैन, अजैन, अमीर, गरीब सब करें। बाहर हमारे घर में कोई बीमार नहीं है तो भी करो, हवाएं बिगड़ रही है, हवाओं में वायरस आ रहा है, जब हवाएं बिगड़ जाएं तो हवाओं को संभालो, निकम्बे मन के मत बैठो। जिनकी हवा बिगड़ चुकी हो, शरीर में हरारत आ रही हो, कुछ भी थोड़ा सा आ रहा हो, तुरंत दबा लो। अभी लेने की बात नहीं कही थी, करने की बात कही, लेना शुरू करो, ग्लोय का काढ़ा ले लीजिए। डॉक्टर लोग दवाई बताते हैं, आपके सब डॉक्टर हैं, उनसे पूछिए कि यदि हमें प्रारंभ में थोड़ा सी हरारत आए तो क्या करूं, उनके पास गोलियां हैं, 2-3 गोलियों में वहीं संभल जाएगा। आप लोग प्रमाद कर रहे हैं और इतनी लेट दवा शुरू कर रहे हैं, इतनी लेट दवा शुरू कर रहे हैं कि दवाई भी काम नहीं कर रही है। महानुभाव, बहुत लोगों की दवा बिगड़ रही है। तो तीसरा कारण मैं क्रम बता रहा हूं, हवा को संभालो, नहीं संभले तो दवा को संभालो, और जब दवा बिगड़ जाए तो मेरा सारे संसार से कहना है दुआ पे उतर जाओ, बस शुरू करो भक्तांबर, शुरू करो शांति धारा, शुरू करो गंधोदक, शुरू करो नमोकार मंत्र की माला, ये दुआएं हैं, ये समंत्र भद्र महाराज का सोच है, पूज्यपाद स्वामी का सोच है।
क्या बात, पूज्यपाद स्वामी तो एक कदम आगे बढ़ा दिया। हेतु तत्व विचित्र दुख निशिया संसार घोर आणवा, ये संसार में जहां देखो वहीं दुखी दुखी ना जाने जा रहे हैं, जहां देखो वहीं दुख, दुख का संकट आया, इसलिए भगवान में मंदिर चलाया, इसलिए भगवान तेरा नाम जपने लगा, इसलिए भगवान तेरा स्तुति करने लगा, हेतु दिया है। ऐसे संकट के समय पर क्या करें, संकट दूर नहीं करा रहा हूं मैं, संकट के समय क्या करूं। तो समंत भद्र महाराज ने, पूज्यपाद स्वामी ने कहा, संकट के समय भगवान का नाम लो। महाराज इससे क्या लाभ होगा, कोई जरूर नहीं कि लाभ हो जाए, नुकसान भी, बस इतना देखो नुकसान क्या है, शांति धारा कराने से नुकसान क्या है, गंधोदक से नुकसान क्या है, भक्तांबर से नुकसान क्या है, नमोकारमन से नुकसान क्या है, नुकसान आप बताइए कि नुकसान ये है, फायदे की बात तो मैं गारंटी नहीं लूंगा। इसलिए महानुभाव उतराओ, सारे संसार को कहना है जब डॉक्टर के पास तुमने भर्ती कराया, ऑक्सीजन लग रही है, एडमिट करना पड़ रहा है, तुरंत दुआ चालू कर दो, तुरंत दुआ चालू कर दो, सारे घर में सारे रिश्तेदारों में सब उसके नाम की एक एक माला फेरना शुरू करो, उसके नाम के लिए भक्तांबर पढ़ना शुरू करो, शांति धारा का मौका है मेरे, शांति धारा करवाओ, करो, नहीं जा सकते हो ऑनलाइन करवाओ, उसके नाम से कराओ, उसके नाम से कराओ, भावनात्मक सपोर्ट, ये दुआ है प्राचीन आचार्यों के और वर्तमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आचार्य पूज्यवर गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने लिखा। ये आज के युग में आगम बुद्ध हास परंपरा के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आचार्य हैं, जिनका नाम है संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज, जिनकी वाणी आज के युग में उतनी ही सत्य है जितना सूरज में तेज सत्य है। और उन्होंने लिखा है कि दवा काम नहीं करती जब दुआ काम करती है, और दुआ के बाद जो अपनी नैतिक प्रतिदिन के दुआ के बाद, आज के बाद कोई व्यक्ति के लिए कोई किसी की सुनना नहीं है, सबको दुआ पोता, जो जिस ढंग से दुआ कर सकता है करे, जो कहें इससे क्या होगा तो उनसे पूछ फिर क्या करें, बताओ क्या करें, मरीज तो अस्पताल में भर्ती कर दिया, दवाई चल रही है, अब घर वाले क्या करें, मक्खियां भगाएं, बताओ भैया, मरीज अस्पताल में भर्ती हो गया, डॉक्टर प्रसाद कर रहे हैं, तुम्हें वहां जाने की अनुमति है नहीं, अब तुम क्या करो, मक्खियां भगाओ, शराब की बोतलें पियो जाके नशे में गम बिखलाने के लिए, अपना मरीज अस्पताल में भर्ती है, तुम लोग दुखी हो, तो दुख भुलाने का एक दूसरा साधन है शराब की बोतल। महाराज जी क्या करूं, बड़े संकट में मरीज उसमें तो शराब, तो अब जो लोग धर्म के लिए मना करते हैं शांति धारा के लिए, उनसे पूछो कि बस शराब की बोतल पीऊं, नशा में चले जाऊं, नींद की गोलियां खा लूं, बेहोशी में चला जाऊं, क्या करूं बताओ, क्या करोगे तुम बताओ, तुम्हारा क्या काम है ये बताओ, वो तो अस्पताल में भर्ती है दवाई, अब तुम क्या करोगे। बंधु इन बेफिजूल की बातों में मत आओ, आप लोगों का काम है दुआ करना, उसके लिए जितनी दुआ कर सको, जितना कर सको, मैं कुछ भी सीमा नहीं, ताकत लगा दो, जैसे व्यक्ति दवाई में ताकत लगा रहा है, 1000 का इंजेक्शन 50,000 में ले रहा है, 1000 का इंजेक्शन 50,000 में ले रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है, ऐसा ही तुम दुआ में पूरी ताकत लगा दो, दुआ करूंगा, शक्ति नहीं है तो पूरा घर बैठ के भक्तांबर पड़ेगा, दिन भर पड़ेगा, जब तक वो अस्पताल में भर्ती है हमारे घर में अखंड भक्तांबर पाठ चलेगा, क्या बात है। ताकत दवाई के लिए ताकत लग रही कि नहीं, लोग कर्जा करके सहायता करके जैसे बने तैसे दवाई का इंतजाम कर रहे, दो नंबर में एक नंबर में कर रहे, जैसे मरना वैसे कर रहे, करना चाहिए पर समर्थन, ऐसा ही दुआ के लिए आप पूरी ताकत लगा दो महानुभाव, लगा दो पूरी ताकत, जब तक मेरा मरीज घर में लौट के नहीं आएगा घर में अखंड भक्तांबर पाठ चलेगा, अखंड नमोकार मन चलेगा, जब तक वो लौट के नहीं आया अखंड शांति धारा चलेगी, अखंड यानी पूरे 24 घंटे नहीं,
अभिषेक शानदार है। जब तक नहीं आएगा सब लोग नमोकार मंत्र की माला फेरेंगे। दिखा दो ताकत महानुभाव। बैठने की ताकत नहीं है तो बैठो, रात भर नहीं जगने की ताकत हो तो जागो, ताकत लगाओ दुआ में, ऐसी ताकत लगाओ जैसी दवाई के लिए ताकत लगा रहे हो। हमारे आचार्यों की वाणी झूठी नहीं होती है। फिर भी यदि तुम्हारी महाराज फिर भी ठीक नहीं हो तो फिर उसके बाद स्वयं भोवा की बात कर रहा हूं।